दवाई छूट रही है इंस्टाग्राम के हाथ से, इसका क्या मतलब है? खुश हो अब तो आप? हाँ। है ना, डेट मिल गई है आपको चूज करने के लिए, तो सब 4-5 दिन काट लो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सच में काम ही यही है हमारे बच्चन। हाँ ये तो सही बात है, फोन से नाराना सही बात। तो कोविड टाइम पे 2011-12 में कोविड, 11-12 में कोविड नहीं, जैसे अभी फोन लगा ना आपने, फोन हाथ में बिस्किट चाय। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, थोड़ा लेट, मतलब मैं तो जल्दी उड़ गई थी बट बच्चे अच्छे सब सोए रहे थे, नानी भी, तो अभी लेट ही हर चीज़ हो रही है। नाश्ता पानी ऐसे ही उठते ही हमने काम चलाओ खा लिया है, मैंने भी खा लिया था। अभी मैं एग बॉइल खाऊंगी अपनी, ज़्यादा लेट हुआ नहीं है तो एग का टाइम हुआ है। और अभी नाश्ते में नहीं ठहर, इसने लड्डू ने कर लिया था, दूध बिस्किट ऐसे कुछ खाया था इन्होंने, बिस्किट कुछ खाया था इन्होंने। और अभी ऐसे घूम रही है और इसका चिल्ला के लड्डू से इतनी लड़ाई कर रही है ना ये के ना, इसका गला बैठ गया है, बोलना एक बार। देखो हेलो, इसका गला बैठ गया है गाइस, चिल्ला के ऐसे करके ना। मम्मा का जो पेट है ना वो ऐसे होने लग जाता है, मतलब वो बिछता है। आप खुद ही देखो ना मम्मा कौन सी पोजीशन लेती है, मतलब मम्मा तो कर नहीं सकती अभी। पेट बिछता है, अगर मैं ऐसे थोड़ा सा भी से आगे करूँ ना ऐसे पैर खुद जी करने के लिए। हाँ मतलब मम्मा ऐसे होती है प्रॉपर, फिलहाल मैं आ गया हूँ घर पे और कपड़े वगैरह मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी इन्हीं कपड़ों में चल देंगे। एक्चुअली निष्ठा की मॉम को डॉक्टर विजिट के लिए भी लेके जाना है और उसके बाद वैक्सीनेशन भी लगवाना है, तो दोनों काम करवा लेंगे आज। और अभी बज रहे हैं 2, हम निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में 4 बजे के आसपास, 4, 4:30, 5 बजे के आसपास। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कपड़े चेंज नहीं करता, इन्हीं कपड़ों में चलते हैं, फालतू में दूसरे कपड़े चेंज करूँगा गंदे होंगे, फिर निष्ठा की मॉम के लिए काम बढ़ेगा, तो इसलिए इन्हीं कपड़ों में रहते हैं और अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। अभी फिलहाल हम लोग बस निकलने की तैयारी कर ही रहे हैं और अभी बज चुके हैं 5। निष्ठा को हम लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, क्या करेगी वहाँ चल के भी है, और घर पे जब है ही निष्ठा की नानी और लड्डू तो उनके साथ ही रह जाएगी है। और निष्ठा की मॉम को दिखा के आते हैं, वैक्सीन लगवा के आते हैं और एक बार देखते हैं मैम क्या बोलेगी, मैम से आज डेट तो ज़रूर लेके आए। गाइस अभी फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और बस हम पहुँचने ही वाले हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे। हमारी अपॉइंटमेंट में अभी वैसे है टाइम, तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, फिलहाल बस पहुंचते हैं और निष्ठा की मॉम को दिखाते हैं डॉक्टर मैम क्या बोलती हैं। और आप एक्साइटेड हो ना आज पूरे अच्छे से? अरे उस दिन भी थी, अब आज नहीं हूँ यार, वरना कुछ फिर कुछ हो जाएगा सुनने को मिलेगा यार, वरना फिर एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाता है। एक्साइटमेंट नहीं, मैं सोचती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, फिर नहीं मिल पाता ये बस। और गाइस अभी मेरे को थोड़ी सी भूख लग गई थी रास्ते में, तो हमने गोलगप्पे खाए, निष्ठा की मॉम ने नहीं खाए, मैंने खाए सिर्फ। और अभी फिलहाल हम लोग निकल गए हैं और मैम के पास जाते हैं, मैम से डेट लेते हैं, मैम डेट दे दो कब हम सीजेरियन कर सकते हैं, डेट दे दो प्लीज 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 डेट दे दो। निष्ठा की मॉम को बहुत परेशानियां हो रही हैं, है ना, देखते हैं जो भी है, आप टेंशन मत लो। और उसके बाद आपको बस इंजेक्शन लगाएंगे और उससे पहले आप दवाई खा लो। निष्ठा की मॉम ने गाइस आज दिन की दवाई स्किप कर दिया, अभी तक खाई नहीं है मतलब, तो अभी लेके आए हो ना साथ में? हाँ तो दवाई लेके आई है निष्ठा की मॉम अपनी साथ में, तो अभी दवाई खा लेगी, है ना, दवाई खा लेना क्लिनिक पे जाने से पहले खा लेना, वरना फिर वहाँ टाइम नहीं मिलेगा। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लिनिक पे, अभी बस चले फटाफट आप अपनी दवाई लो पहले तो। तो गाइज निष्ठा की मॉम दवाई लेगी, उसके बाद हम लोग चलते हैं।
अब देखते हैं मैम से पहले बात करते हैं यार, उसके बाद दवाई का प्रोसीजर चालू करना। हाँ पहले देखते हैं कब तक का मैम बता रही है टाइम, उस हिसाब से फिर देखते हैं। लेट कर रही थी और उसकी नानी थी नहीं, नानी गई थी बाहर, नानी ने आने में लगाई दे रही तो क्यों नहीं लग रही, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना उसको लेकर नहीं आया, ऐसे लग रहा कि बड़ी गलत किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा गलत किया थी। सेक्स ठीक है, बस ये आई थी आज डेट मिल गई। बस अपने स्ट्रेस मत लेना, किसी भी चीज का स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस से ना फिर वो बीपी फ्लक्चुएट होगा ना, तो वहाँ वो चीज इशू कर देती है। फिर बस काम रहो, ये मत बोलो बार बार कि मतलब अभी कर लो ये हो जाए जल्दी हो जाए, बिल्कुल काम जो होगा अपने आप में लो, क्योंकि वहाँ बीपी अगर फ्लक्चुएट करता है ना तो वहाँ इशू आ जाता है। बीपी नहीं फ्लक्चुएट होना चाहिए, काम रहो बिल्कुल रिलैक्स होने तो जो हो रहा है अपने आप। मैम भी तो ये कहती काम रहो, खुश हो अब तो आप है ना, डेट मिल गई है आपको चूज करने के लिए, ठीक है आप बस अब 4-5 दिन काट लो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है चलो, बाकी ब्लड टेस्ट है जो भी है वो सब करवा लो, बाकी मैं इंजेक्शन के बाद इंजेक्शन के लिए एक ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा ये कंटिन्यू करना है इंजेक्शन आज इंजेक्शन। कल और परसों ये दो, ये एक हफ्ते ना, एक हफ्ता, एक हफ्ते, एक हफ्ता और बस उसके बाद तो बिल्कुल। 3 तो इंजेक्शन लगेंगे आज और 2 बोतल खून निकलेगा। आई थिंक कुछ लगाया है अभी, जूस पिलाएंगे, जूस पिलाएंगे या ऐसा सीधा घर ले जाएंगे। नहीं सर जूस पिलाएंगे, यार जूस वाला नहीं मिलता यार आसपास, छोले भटूरे खा लो, चलो जूस जूस नहीं पिलाओ, कोई जल्दी चीज मत खिलाओ सर। जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन भी बात करते करते कर लेंगे, उस दिन भी पिलाएंगे। नहीं अब नहीं निकलेगा, निकाल के बहुत है ना, बहुत है वो, अभी वो लगेंगे ना इंजेक्शन दूसरे वाले, उसके लिए मंगाइए सिरिंज। ये किस किस चीज़ का इंजेक्शन है ये भी बता देना। लंग में चोटी और ब्लड क्लॉटिंग, और ये तो प्रोजेस्टेरोन है हमारे। अरे मैम का एलएफटी भी है ना, देखो वो तक यूज होंगे ना, पेपर डालो। एलएफटी है, है इसी से, इसी से कर देता हूं, क्यों इतना काम दे रहा है। सही कहा, इस टाइम से कर लो, थैंक यू बोलो। उस टाइम हम खाना नहीं खाते थे, ये खाना खाते थे, खून पीते थे, जैसे अभी खून लगा ना हाथ में, खून हाथ में, बिस्किट चाय, मतलब रात को 3 बजे घर जाते, 3:30 बजे घर जाते थे, कपड़े चेंज करके फिर आ जाते थे। 3 बजे तक कंटिन्यू हम लोग उठे। हाँ उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था, हर बंदा एडमिट हो रहा था सीधे, माँ बाप भूल गए के चक्कर में, माँ बाप के साथ ज्यादा वही रहते थे, पानी की जरूरत ही नहीं, डॉक्टर की लाइन में चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, कोई भी आपका पेट हो, माँ बाप नहीं है, और माँ बाप ये बोला था बेटा कपड़ा भी नहीं ले जाओ, वही धोके वही सो खाना खा के सो जाते, फिर सुबह फैमिली से बात करने का टाइम नहीं मिलता। और बाकी लगने हैं जो लंग में छोटे और ब्लड क्लॉटिंग, 3 डेज लगेंगे आज कल और परसों, डे आफ्टर आज तो मैं वो आ रही, बाकी लास्ट है आपका गेम हो ना। हाँ वाह क्या बात है, तो कल मैं मिलूंगी उनके घर पे, घर पे
तो गाइस आप देख सकते हो बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ता है लाइफ में ना। आज मुझे ऐसे ही माँ नहीं बना चाहता है ना। एक और बहुत शक्ति होती है। पहले ही लगा रही थी ब्रैम्पो ना, यहाँ ये दर्द वाले ही लगा दो, उसके बाद एक और यहाँ पे लगा दूंगी, फिर एक दूसरी साइड, मतलब दो एक साइड, दो एक साइड में। ये हमारा सेकेंड इंजेक्शन, ज़्यादा हो रहा है। देख साइड, देख साइड हो गया। आइस पैक लाऊं? गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं डॉक्टर मैम के क्लिनिक से, और अच्छी बात यह है निष्ठा की मॉम के लिए। एक्चुअली आज काफ़ी सारे प्रोसीजर हुए। सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करा, सबसे पहले तो हमने मैम को दिखाया, ठीक है, मैम ने देखा, उसके बाद मैम ने देख के ये बताया 3 दिन बाद से जो भी आपको दिन सूटेबल हो आप लोग डिलीवरी के लिए आ सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो निष्ठा की मॉम खुश हुई नहीं हुई? खुश हुए ना, ठीक है। ये चीज़ बताई मैम ने कि अभी 3-4 दिन रुक जाओ, बस इतना बोला, 3 से 4 दिन रुकने के लिए बोला, उसके बाद आप अपने हिसाब से कभी भी आ जाओ। और ये बोला है मैम ने कि सुबह 11 बजे आना है ना, सुबह 11 बजे बोला है डिलीवरी के लिए, जिस दिन भी आओगे सुबह 11 बजे पहुंच जाना हॉस्पिटल। रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, रात को नहीं सुबह 8 बजे के बाद। अच्छा। और जिस दिन आओगे उस दिन सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक जब तक हॉस्पिटल नहीं आ जाते तब तक कुछ खाना नहीं है ना कुछ पीना है, ठीक है। तो गाइस चलो ये एक हमें राहत की बात मिली कि चलो अब निष्ठा इमाम की डिलीवरी नज़दीक आ गई है, मैम ने बोल दिया ठीक है कर देंगे डिलीवरी। और उसके बाद मैम ने क्या बोला, आज भी लगाए 2 इंजेक्शन लगाए लंग मैच्योरिटी के लिए, बच्चे के लंग्स की मैच्योरिटी के लिए, और 1 इंजेक्शन और था, 2 इंजेक्शन मैम ने आज लगाए। अब वो सेम 2 इंजेक्शन कल भी लगेंगे, वही सेम 2 इंजेक्शन परसों भी लगेंगे। 3 दिन का प्रोसीजर होता है, आज कल और परसों, तो 3 दिन हमें इंजेक्शन लगाने थे, आज हमने लगवा लिया है। और उसी के साथ में हमारा वीकली इंजेक्शन भी था जो निष्ठा की मॉम को लगता ही लगता है हर वीक, जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, आज लगवा लिया निष्ठा की मॉम ने। आज लास्ट इंजेक्शन था निष्ठा की मॉम का वीकली वाला, है ना, वो भी लगवा लिया। उसके अलावा उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद निष्ठा की मॉम का ब्लड सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल से हम उन्होंने करे 4 टेस्ट, एक तो लीवर फंक्शन टेस्ट किया है, दूसरा CBC और एक और था पता नहीं, कोई देखना पड़ेगा, 3 टेस्ट के लिए वो भी डाल दिया, वो 3 टेस्ट भी करेंगे, उनकी रिपोर्ट कल और परसों आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग तो बहुत ठीक है, खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि अब फटाफट जो है नज़दीक आई गई है निष्ठा की मॉम की डेट, है ना। और अभी हम लोग बस घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, तो निष्ठा को भी ये खुशखबरी देनी है कि चलो भैया बैग वैग पैक कर लो। आपके बैग पैक हो गए? सब कुछ रख लिया? ठीक है, बस ये निष्ठा की मॉम हौसला रखो आप, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है।